भाई आईपीएल 2024 को लेकर के ऑलरेडी बीसीसीआई ने प्लानिंग शुरू कर दी है और 7 जुलाई को हुई बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में कुछ बड़े डिसीजन लिए गए हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन एज यूजुअल अगर आप 5 स्पोर्ट्स के रेगुलर व्यूवर हो तो मैंने आपको ऑलरेडी कई हफ्तों पहले बल्कि कई महीनों पहले अपने कई ओपिनियनेटेड वीडियोज में इस बात में जानकारी दे दी थी कि आने वाले समय में T20 लीग्स को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है और बीसीसीआई भी ऑलरेडी इस पर बात करना शुरू कर चुकी है। लेकिन अब जब ऑफिशियली जानकारी आ गई है तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो बना करके 3 बड़ी अपडेट्स आपको दी जाए, ना सिर्फ आईपीएल 2024 की बल्कि आने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और एशियन गेम्स के बारे में भी इस वीडियो में बात होगी। तो बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है वो है इंडियन प्लेयर्स के T20 लीग्स में खेलने को भविष्य को लेकर के, जहां पर बीसीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज में इस बात को साफ कर दिया है कि बीसीसीआई विल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर इट्स प्लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर पार्टिसिपेशन इन द ओवरसीज T20 लीग। यानी कि वो खिलाड़ी जो कि ओवरसीज T20 लीग में खेलना चाहते हैं, वो भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो भारतीय टीम का हिस्सा हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हों या फिर रिटायरमेंट भी ले चुके हों, उनके लिए बीसीसीआई एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, एक पॉलिसी बनाएगा जिसके तहत उनको ये देखना होगा कि उनको विदेशी लीग जैसे SA20 हो गया, IL20 हो गया, D100 हो गया, बिग बैश हो गया, ऐसी लीग्स में खेलने की उनको इजाजत मिलती है या फिर नहीं। अगर आपको नहीं पता तो कुछ दिन पहले सोर्सेस से ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि बीसीसीआई एक कूलिंग पॉलिसी ला करके आ सकता है जहां पर आपको एक साल का ऑफ लेना होगा जब आप रिटायरमेंट लेते हो और आप ओवरसीज T20 लीग में खेलने के लिए अवेलेबल हो पाओगे। उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि 2022 के आईपीएल के बाद रॉबिन उथप्पा ने रिटायरमेंट लिया और 2023 में जो पहला IL20 का सीजन हुआ उसमें वो दुबई कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। अब इस साल अंबति रायडू ने रिटायरमेंट लिया है और जो MLC होने वाला है, मेजर लीग क्रिकेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर भी आपको वो टेक्सस सुपर किंग्स से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो चलो इन खिलाड़ियों का तो ठीक है, ये पहले से रिटायरमेंट लेकर के पहुंच गए, लेकिन अब ऐसी न्यूज आई है फिलहाल एपेक्स काउंसिल की मीटिंग के बाद इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि एक साल का कूलिंग पीरियड सर्व करना होगा प्लेयर को उस लीग में या किसी भी लीग में खेलने से पहले। तो देखना होगा कि इसको किस तरीके से परसीव किया जाता है। अगर ये सच में होता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। एक बार प्लेयर ने रिटायरमेंट ले लिया तो आपको उसको खेलने की इजाजत दे देनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, बीसीसीआई भी इस बात को जानता है कि जो उनका वर्चस्व है वो इसी वजह से है कि जो भारतीय स्टार है और जो उनका भारतीय फैन बेस है वो बीसीसीआई के पास इंटैक्ट है, वो हमारे भारत में ही इंटैक्ट है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जो भी खिलाड़ी जिसको इंडिया खेलने के प्रॉस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे या जिसको आईपीएल में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि खबरें निकल करके आ रही हैं कि विदेशों में जो भारतीय फ्रेंचाइजीज हैं वो करोड़ों रुपए ऑफर कर रही हैं। कभी जोफ्रा आर्चर की न्यूज आती है, कभी जेसन रॉय की न्यूज आती है, कभी जॉर्ज बटलर की न्यूज आती है। तो ऐसे अगर आप भारतीय प्लेयर्स को पैसे दोगे, सपोज कि कोई एक प्लेयर है 30-32 साल का है XYZ और आप उसको लग रहा है कि आईपीएल में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा हूं या फिर मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में मुश्किल है, तो उसको फ्रेंचाइजी कहेगी कि ठीक है आपको हम आईपीएल में नहीं खिला सकते बट हम आपको IL20 में खिला सकते हैं, SA20 में खिला सकते हैं, MLC में खिला सकते हैं, आगे जाते हुए आई एम श्योर और लीग्स भी आने वाली हैं तो आपको हम यहां खिला सकते हैं, हम आपको इतने इतने करोड़ रुपए देंगे, आईपीएल में तो आप 20-25 लाख 50 लाख के ही बिकते हो, तो वो प्लेयर उसको यकीनन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए बीसीसीआई जितनी ताकत लगा सकता है मेरे ख्याल से वो लगाएंगे। अब क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये सब्जेक्टिव है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, बट इस तरीके से चीजें होंगी। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया था कि ICC भी इसीलिए हर साल वर्ल्ड कप कराता है कि ये जो लीग क्रिकेट का वर्चस्व बढ़ रहा है उसको वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। बट जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की है, लीग क्रिकेट को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और आने वाले भविष्य में हम इस भविष्यवाणी को सच होता हुआ जरूर देखें। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 में इंपैक्ट प्लेयर के रोल को लेकर के, जहां पर अब ये चीज बीसीसीआई ने साफ कर दी है कि इंपैक्ट प्लेयर का रोल अगले साल भी रहेगा लेकिन उसके साथ साथ आपको सिर्फ एक ही टीम चुनने का इख्तियार होगा और टॉस से पहले आपको एक प्लेइंग 11 होगी वो देनी होगी और उसके साथ 4 इंपैक्ट प्लेयर के सब्स्टिट्यूट देने होंगे। इस साल आईपीएल में क्या था कि आप 2 शीट लेकर के आते थे, अगर आपकी पहले गेंदबाजी आती थी तो आप वो शीट अंपायर को देते थे, एक्सचेंज करते थे, और अगर
अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती थी तो आप अपनी दूसरी चीज शीट देते थे, दूसरी एक्सचेंज करते थे, तो उसमें होता क्या था कि आप ये अगर पहले बैटिंग आ गई तो आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला लेते थे और बॉलर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर रखते थे। अगर आपकी गेंदबाजी आ गई तो आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिला लेते थे और बैटर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर रखते थे। मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा रोमांच चला गया था, थोड़ा वो जो कप्तानी का मजा आता था वो थोड़ा सा चला गया था, स्ट्रेटजीज बनाना ज्यादा आसान हो गई थी। लेकिन अब कम से कम मेरे इस रूल से थोड़ी ज्यादा सहमति है कि आप एक प्लेइंग 11 बनाओ और इंपैक्ट प्लेयर आप दो चार, और फिर उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये जो थोड़ी सहूलियत इंपैक्ट प्लेयर की मिली है इसका आप कितना फायदा उठा सकते हो। बिकॉज अगर आप 22 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने लग जाओगे, मतलब 22 प्लेयरों की शीटें आप बनाने लगोगे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो जाएगी। 11 एक शीट पे, 11 एक शीट पे, उसके बाद चार चार सब्स्टिट्यूट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, दो गेंदबाज के सब्स्टिट्यूट रख सकते हो, दो बल्लेबाजों के सब्स्टिट्यूट एक्स्ट्रा रख सकते हो, कंसिडरिंग टॉस पर आपका क्या डिसीजन आया है। उससे थोड़ा सा मजा मेरे पर्सनल ओपिनियन में चला गया था। आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर रूल है, शुरुआत में भी यही होना चाहिए था। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इस साल इंपैक्ट प्लेयर रहेगा, लेकिन उनके वहां रूल ये था, एसमैट में ये रूल था कि 14वें ओवर से पहले आपको इंपैक्ट प्लेयर लेना होता था, लेकिन इस साल आईपीएल की तरह ये रूल भी हटा दिया गया है। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी आप किसी भी समय इंपैक्ट प्लेयर ले सकते हो। देखना होगा इससे हमारे ऑलराउंडर्स की जो क्वालिटी है उस पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखा कई सारे ऑलराउंडर्स को गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था जो कि हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते थे। चाहे आप बात करो शिवम दुबे की, वेंकटेश अय्यर उसमें एक नाम हो सकते हैं, इवन तिलक वर्मा को मैं गेंदबाजी करते देखना चाहता था, बट ऑप्शन ही आपके पास इतना ज्यादा था कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। विजय शंकर ने भी बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, तो देखना होगा इसका भविष्य में क्या रोल रहता है। लेकिन जहां तक आईपीएल फ्रेंचाइजीज की बात है वो इससे खुश हैं और 11 प्लेयर आप चुन सकते हो अपनी टीम शीट पे, 4 इंपैक्ट प्लेयर चुन सकते हो और सिर्फ एक ही बार आपको टीम चुनने का इख्तियार होगा सिंस आईपीएल 2024। वहीं चाइना में होने वाले 23 सितंबर से एशियन गेम्स पर भी बीसीसीआई ने आखिरकार ऑफिशियल मोहर लगा दी है, और कई दिनों से जो खबरें मार्केट में फ्लोट कर रही थी कि एशियन गेम्स में इंडियन टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि उस समय हमारा एशिया कप भी चल रहा होगा, उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलनी है, उसके बाद हमें वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो एशियन गेम्स में हमारे वो खिलाड़ी नहीं जा सकते जो कि हमारे मेन टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, समबड़ी लगा रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड ऑल दी अदर्स। तो अब बीसीसीआई ने इस बात को साफ कर दिया है कि हमारे टीम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जाएगी और वो खिलाड़ी जो कि टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे फॉर द एशिया कप एंड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, वो एशियन गेम्स में खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि आपको इस टीम में रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई दें, मे बी अजिंक्य रहाणे खेलते हुए दिखाई दें, मे बी रविचंद्रन अश्विन। आई रियली डोंट नो कि वो सीनियर प्लेयर्स को कितना लेंगे और जूनियर प्लेयर्स को कितना लेंगे, यंग प्लेयर्स को कितना लेंगे, क्या शिखर धवन वहां पर कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर वो खबर सच थी तो मेरे ख्याल से दिस विल बी अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज एशियन गेम्स में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आप जरूर चाहोगे, आप वहां से मेडल लेकर के आना भी चाहोगे। तो बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर का महीना होगा, बिकॉज हम एशिया कप भी एंजॉय कर रहे होंगे, फिर हमें एशियन गेम्स भी एंजॉय करने होंगे, मेन और वुमेन दोनों क्रिकेट टीम्स वहां पर हमारी जाएंगी, फिर हमें ऑस्ट्रेलिया से एक 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, फिर हमें वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप देखना है। तो बहुत ही मजेदार 2 महीने क्रिकेट के वो रहने वाले हैं, और अगर आपको एक एक न्यूज, एक एक एनालिसिस और फोर साइटेडनेस चाहिए भाई, खबर तो कोई भी पढ़ देगा, खबर तो आप जाकर के क्रिक बस पे पढ़ लोगे, आप जाकर के ESPN क्रिक इन्फो पे पढ़ लोगे, तमाम न्यूज चैनल्स की वेबसाइट पे पढ़ लोगे। लेकिन थोड़ी दूरदेशी वाली बात, थोड़ा दूरअंदेशी, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा मजेदार एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा जहां पर ये सारी चीजें हम पहले से प्रेडिक्ट कर चुके थे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सपोर्ट माय वर्क, बिकॉज पहले हमें एशियन गेम्स कवर करना है, एशिया कप कवर करना है, वर्ल्ड कप कवर करना है, उसके बाद आईपीएल की ट्रेड विंडो खुल जाएगी, उसके बाद मिनी ऑक्शन होगा, उसके बाद तमाम टीमों के रिव्यूज होंगे, उसके बाद आईपीएल 2024 होगा। तो अगले 6 महीने बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।